स्वागत छे आपનું, હું છું સમીર। સૌથી પહેલા જઈશું અયોધ્યા કે જ્યાં દિવાળીની ઉજવણી ચાલી રહી છે। લગભગ 12 લાખ દીવડાથી ઝળહળી ઉઠ્યું છે અયોધ્યા। તટ પર પૂરા સરયુ તટ જગમગા રહા હે, પૂરી અયોધ્યા જગમગા રહી હે દીપોત્સવ સે। ભગવાન રામ કે 14 વર્ષ કે વનવાસ કે બાદ આગમન કે બાદ જિસ તરહ સે ઉસ વક્ત દીપ જલાએ ગયે થે, વહી દીપ વહી દ્રશ્ય આજ દિખાઈ દે રહે હૈ। पूरी अयोध्या दीपोमय हो गई है, रंग बिरंगी रोशनी भी आप देख रहे हैं जो लेजर के द्वारा की गई है, होलोग्राफिक लेजर के द्वारा ये की गई है। साधुवाद कि आपके सब आप सभी के अथक प्रयास से, कड़ी मेहनत से 9 लाख से अधिक दियों का इतिहास बना है। आप सभी ने अयोध्या की धरती को पूरे विश्व में चमका दिया है, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने सभी 45 स्वयंसेवी संस्थाओं के समन्वयकों को, 15 महाविद्यालयों के शिक्षकों, विश्वविद्यालय परिसर के 35 विभागों के शिक्षकों एवं छात्र छात्राओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आप सभी के अथक प्रयास से, कड़ी मेहनत से आज डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के माननीय कुलपति प्रोफेसर रविशंकर सिंह के नेतृत्व में आप सभी ने इतिहास रचा है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड 9 लाख से अधिक का बनाया है, ये 5वां अटेम्प्ट था आपका। 4 बार आपने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। आपने अपने पुराने रिकॉर्ड 2020 के 6,06,569 को तोड़ करके 9 लाख से अधिक का विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया है। पूरे अयोध्या वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आभार। सभी छात्र छात्राएं, सभी विश्वविद्यालय परिषद के शिक्षकगण, 15 साकेत महाविद्यालय के शिक्षकगण, छात्र छात्राएं एवं अन्य महाविद्यालयों के, शहर के 5 इंटर कॉलेजेस के छात्र छात्राएं एवं शिक्षकगण, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, आप सभी को, मीडिया कर्मी, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। अयोध्या वासियों को हृदय से आभार कि आप सबके सहयोग से, आप सबके सहयोग से विश्व कीर्तिमान डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में बन पाया है। इसके लिए आप सभी बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। तो 12 लाख दीवड़ा थी झड़ी उठ्यू है अयोध्या। अयोध्या में दिवाली माहौल आप जी रहा छो, रोशनी थी जगमगी उठ्यू है समग्र अयोध्या। अयोध्या धाम में देशभर में लोग आबी पहुंचा है आ दीपोत्सव की उजवणी करवा माटे। तो राम की जन्मभूमि अयोध्या दृश्य जोया, परंतु हवे बात करीशु दिवाली पर्व निमित्ते गांधीनगर में अक्षरधाम मंदिर की बात करी।